हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। की हाल है तुहाडा? तो आज की वीडियो है और आज का रिव्यू जो है वो डॉक्टर राशिल के विटामिन सीरम पर है। तो आज इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि वेदर ये आपकी स्किन को फेयर और वाइट बनाता है या नहीं। सो इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है अराउंड 500 टू 550 और ये आपको लोकल मार्केट से बहुत ही इजीली मिल जाता है। मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस किया है, लेकिन उसके बाद भी ऑनलाइन लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। बात करें इसकी पैकेजिंग की, सो दिस कम्स इन अ वाइट कार्डबोर्ड बॉक्स। एज यू कैन सी यहाँ पे मेंशनड है कि इसमें आर्बुटाइन है, नाइसिनमाइड है, ये पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और आपको एक स्मूदर और वाइटर स्किन देता है। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन है कि आफ्टर ओपनिंग आप इसे 12 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे मेंशन है इसके बेनिफिट्स, इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शंस, वार्निंग्स और उसके बाद यहाँ पे एक और इसकी एक्सपायरी डेट दी हुई है। तो अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो अंदर से निकलती है ये वाइट कलर की ग्लिटरी ड्रॉपर बॉटल जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। द पैकेजिंग इज़ क्वाइट गुड और जो बाहर लिखा हुआ था कार्डबोर्ड के बॉक्स में, अंदर भी सब कुछ वैसा ही है। और अब इसे मैं ओपन कर लूँगी। सो दिस सीरम इज़ ट्रांसपेरेंट इन कलर और इसकी जो कंसिस्टेंसी है आपको यहाँ पे थिक लग रही होगी, लेकिन जब आप इसे स्किन पे ब्लेंड करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो बहुत ज़्यादा रनी और वाटरी लगती है। ऐसा लगता है आप स्किन पे वाटर अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, ऑलमोस्ट स्किन पे ब्लेंड करते हुए ये बिल्कुल ही फ्रेग्रेंस फ्री हो जाता है। सो दिस सीरम इज़ वेरी लाइट वेट और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने कोई सीरम अप्लाई किया है। स्किन पे क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है और इसके बाद जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, हाइड्रेट और प्लम्पी हो जाती है। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करके उसे हेल्दी बनाता है। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ना ही ग्रीसी है। सो दिस इज़ सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ऑयली कॉम्बिनेशन, नॉर्मल और ड्राई, कोई भी स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। ये डे एंड नाइट दोनों के लिए बहुत ही एक अच्छा सीरम रहेगा। अब जो मौसम है वो मॉडरेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप कोई सीरम परचेस करना चाहते हैं कम प्राइस में, सो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस। ये बहुत ही अच्छा सीरम है। दिस सीरम इज़ वेरी गुड फॉर टीनेजर्स, क्योंकि वो कॉलेज गोइंग होते हैं तो उनकी स्किन जो है डल पड़ने लगती है बिकॉज ऑफ द सनलाइट। तो अगर वो इसे यूज़ करेंगे सो उनके चेहरे पर एक ब्राइटनिंग इफेक्ट बना रहेगा। उनकी स्किन इसे यूज़ करने के बाद डेफिनेटली बिल्कुल भी डल नहीं पड़ती है। और उसके अलावा यहाँ पे इसका ये जो क्लेम है कि वाकई में कि ये फेयर स्किन देता है, वाइट स्किन करता है, फेड करता है डार्क स्पॉट्स को, सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आप ये 6 बॉटल्स और 7 बॉटल्स यूज़ करेंगे तब जाके आपको कोई फ़र्क दिखाई देगा, वो भी 10-20%। अदरवाइज़ ये कोई भी वाइटनिंग प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही सनटैन को या डार्क स्पॉट्स को फेड करता है, तो ऐसा कुछ भी ये प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये जो क्लेम है इसका बहुत ही बड़ा जो इसने किया है वो बिल्कुल ही गलत है। बस जस्ट ये एक मॉइस्चराइजिंग नॉर्मल सीरम है जो आप लगा सकते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, अदरवाइज़ इसका और कोई भी काम नहीं है। तो अब हो गया है सारा सीरम का रिव्यू, तो अब चलते हैं और बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। बात करें इसके प्रोज की, सो इसके प्रोज ये है कि ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुइटेबल है, स्किन को मॉइस्ट और हाइड्रेट करता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ऑयल फ्री है और पैराबेन फ्री भी है, तो इसे स्किन पे यूज़ करना बिल्कुल ही सेफ है। बात करें इसके कॉन्स की, तो इसका कॉन सिर्फ एक ही होगा, वो था इसका ये गलत क्लेम कि ये स्किन को फेयर और वाइट बनाता है। तो ये क्लेम इसका बिल्कुल ही गलत था। सो व्यूवर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये रिव्यू पसंद आया हो, देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज। आप वीडियो देख तो लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। We'll be right back.